हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम परफेक्ट वनीला स्पॉन्ज बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं, और वो भी घर पे मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ ही। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसमें हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दूध। अब हम इसी में ऐड कर देते हैं 1/2 कप तेल। अब इसके बदले में 1/2 कप जो है मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसी में ऐड कर देते हैं 3/4 कप पाउडर शुगर। ध्यान रखिए, पाउडर शुगर जो है हमेशा हमें वेट इंग्रेडिएंट में ही ऐड करना है। और इसके बाद हम 1/2 टीस्पून जो है वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इन सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को जो है हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे हमें क्रीमी लिक्विडी टेक्सचर आने तक इसे विस्क करना है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, जिसे मैंने 2 बार अच्छे से छान के ले लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पे नमक भी ऐड कर देना है। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो वेट इंग्रेडिएंट्स बना लिया था उसमें हम ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहे तो इसे थोड़े थोड़े बैच में डालकर भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस वेट इंग्रेडिएंट में अच्छे से मिक्स कर लेना है। कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके इसे मिक्स कर लेना है और इसका एक अच्छा बैटर बना लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देते हैं और इसे भी हम इसमें मिला लेते हैं। धीरे धीरे करके हमें इसे मिलाना है। विनेगर डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बैटर में हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। ये रिएक्ट करता है सोडे के साथ। अब हम ये पूरा बैटर जो है टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का टिन ले लिया है, जिसको मैंने अंदर से पार्चमेंट पेपर भी लगा लिया है और उसी के साथ मैदे से मैंने इसे हल्का सा डस्ट भी कर लिया है। तो अब ये सारा बैटर जो है हम इस टिन में डाल देते हैं। तो बैटर जो है वो टिन के अंदर हमने डाल दिया है। इसे 2 बार इस तरह से टैप कर दें ताकि बबल्स जो है वो निकल सके। इस केक को हम कुकर में बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने कुकर जो है ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसे बेक कर लेते हैं। कुकर जो है मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रख दिया था। अब इस टिन को मैंने इस कुकर में रख दिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ध्यान रखें, ढक्कन लगाते समय हमें इसकी सीटी जो है और इसके रिंग हमें निकाल देनी है और इसे बंद कर लेना है। इस केक को बेक होने के लिए 40-45 मिनट्स लग जाते हैं। इसके लिए हम पहले 10 मिनट तक के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और उसके बाद हम इसे 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छे से ये बेक भी हो चुका है। स्क्यूअर स्टिक के मदद से आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। ये क्लीन है, इसका मतलब हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है। टिन को जो है मैंने कुकर में से निकाल दिया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से किचन टॉवल रख देते हैं ताकि इसका जो ऊपर का सरफेस है वो हार्ड ना हो। तो इस तरह से ढककर इसे रेस्ट करने दें। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो केक है वो ठंडा हो चुका है। अब हमें एक नाइफ की मदद से इसके जो एजेस हैं उसे इस तरह से क्लियर कर देना है ताकि हमारा जो केक है बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो सके। तो अब हम केक को जो है वो डीमोल्ड कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो केक है कितनी आसानी से डीमोल्ड हो चुका है। नीचे लगे हुए पार्चमेंट पेपर को हमें इस तरह से निकाल देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो यहाँ पे हमारा वनीला स्पॉन्ज केक जो है वो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपनी उंगलियों से इसे प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद भी ये वापस आ रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब इस केक को मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। घर पे ही मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही आसानी से परफेक्टली बन जाता है। तो हमारा परफेक्ट वनीला स्पॉन्ज जो है वो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।